अगर ये सही है तो गलत है खाना, क्योंकि ये काफ़ी चीज आ चुकी है। आजकल के बच्चे तो खाते ही मैगी, ज़्यादातर हमने देखा है बनानी भी आसान है, रोटी पकौड़े बनाने की जरूरत नहीं, पानी गर्म में डाला, नमक मिर्च डाला, सड़प, तो आसान सा काम है। तो वो पुराने टाइम में इसको सेवियाँ कहा जाता था, ऐसा कुछ तो नमकीन नहीं होती थी, दूध वाली बनानी पड़ती थी ऐसा। आजकल थोड़ा उसका अलग तरह का रूप है, पर उसमें ये चीज़ जो सुनने में आई है तो डॉक्टर नोट करें और इसको बताएं सर्च करके। पहले भी हमने कहा था कुछ बताओ, अभी तक पर्ची आई नहीं, लिख के बताया नहीं, शायद वो आँखों के बारे में था कि लेंस वाली आँखें, वो अभी तक आया नहीं। भैया आप लिख के दें जल्दी। सुरजीत सिंह इंसा पहरा समिति बठिंडा से पूछे पता जी, आप जी से पूछना चाहते हैं कि जो मेडल आप जी मानवता भलाई के कार्यों के दौरान सम्मानित करते हुए देते हैं, क्या वो मेडल हम गवर्नमेंट जॉब से रिटायरमेंट के वक्त पहन सकते हैं जी? जैसे आपकी इच्छा, कोई बुरा ना मनाए, बस आप मेडल तो मेडल आपका है, जब मर्जी पहन सकते हैं। और कोई भी पर्ची आती जट से यहाँ पकड़ाया करें भाई। हाँ जी, अनिता बीएसएफ कैंप हिसार से पूछे जी, दसवां द्वार क्या होता है और ये कैसे खुलता है, बाकी के नौ द्वार के बारे में भी बताएं। नौ द्वार, दो कान हैं, दो आंख हैं, दो नाक हैं, एक मुंह है और दो इंद्रियां हैं, ये नौ दरवाजे, और एक डोर यहाँ पे है। ये साइंटिस्ट भी मानते हैं कि यहाँ कुछ है, तो ये दसवां द्वार कहलाता है, टेंथ डोर। सुमन करके यहाँ ध्यान जमा के अगर जाप करते हैं तो ये खुलता है, फिर रूहानी मंडलों की तरफ आत्मा को ले जाता है, जो लाखों चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह को पार करते हुए मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन करती है। दिनेश इंसा ब्लॉक बवाना दिल्ली से पूछा जी, कुछ माता पिता अपने नौजवान बच्चों को नाम दिलवाने के लिए इसलिए मना करते हैं कि उनके खाने पीने की उम्र है, इस बारे में मार्गदर्शन करें जी। क्यों, मांस शराब के बिना कोई खाना भी नहीं बचा दुनिया में, तो ये गलत है, माँ बाप उनकी सोच गलत है। डॉक्टरों की प्रतिया ये थी पूछा जी, बनी हुई आंख और लेंस लगी आंख भी मरने के बाद दान की जा सकती है जी? जी, आपका जवाब मिल गया जी। प्यारे पिता जी, उड़ीसा से आलोक महापात्र, ये डॉक्टर विजय के ब्रदर इन लॉ हैं, आप जी के प्रसाद से कल इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है या आप जी के प्रसाद से ही संभव हुआ है जी, आशीर्वाद दें और नाम रखने की भी प्रार्थना करते हैं जी। जब अगर वो यहाँ आए हैं तो खड़े हो जाएं, वरना जब आएंगे तो भाई तब नाम रखवा दें। आशीर्वाद मालिक ने दिया है, अच्छा नेक इंसान बनाए, मालिक से दुआ करेंगे वो अच्छा इंसान बने। इन्होंने नाम नहीं लिखा पूजक जी, डेरे के पैसे खा लिए हैं, माफी चाहिए। भाई ये तो मस्ताना जी के वचन है, सास संगत यहाँ दिन रात मेहनत करती है और सतरंगचारी भाई बहने करते हैं जितने के वो कर पाते हैं, तो साईं मस्ताना जी महाराज के वचन है कि ये लोहे के चने अगर खा लोगे ना तो उल्टी होगी और ना हजम होंगे, अंदर ही अंदर काटते रहेंगे, तो इसलिए भाई ऐसा करना नहीं चाहिए। किया है, सच्चे दिल से तौबा कर रहे हो तो वो आप दीन दुखियों मदद के लिए वो जमा करवाएं और मालिक की फिर दया में रहमत करेंगे, क्योंकि यहाँ एक पैसा, हम तो खुद नौकर बन के रहते हैं, मालिक को हाजिर नाजर मान के कहते हैं, आश्रम का एक पैसा भी लगता है 10 बार सोचते हैं क्यों लग रहा है, तो इसलिए भाई ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पैसा यहाँ खा सके। जो भी आप तन मन धन से परमार्थ करते हैं 100% वो दीन दुखियों की मदद में ही लगता है, तो जो इसको खाता भाई उसका हाल तो बुरा होना ही होना है, तो इसलिए अगर आप बचना चाहते हैं उस दुष्प्रभाव से तो वो पैसा फिर से दीन दुखियों की मदद में जमा करवाएं, बता के कि मैंने ये खाया था जी, शर्माना क्या, जब हो गया हो गया, गलती तो तौबा करें सच्चे दिल से सुमन करके। अंकुश इंसान सादुल शहर से, रूहानी जाम पीने के बाद जो लोग नशे करते हैं इस बारे में बताएं जी। तो उनका हशर तो फिर भाई और भी बुरा होगा, क्योंकि ये वचन है कि भाई मान लिया करें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तौबा करें और सुमन करें ताकि आप अपने बुरे कर्मों से बच सकें। ललित वर्मा पत्रकार जगत क्रांति, गुरु जी आप सवालों का जवाब झट से दे देते हैं, सवालों के जवाब देने की डिग्री किस कॉलेज से प्राप्त की है जी? शास्त्र नाम जी से, एक ही मौला दाता रहबर है, वही हमारे कॉलेज, वही हमारे इंस्टीट्यूट, और उनके वचन थे कि हम पल में जवाब दिया करेंगे, हमें तो कुछ आता जाता नहीं, वही जवाब देते हैं भाई, हम तो खाक हैं, वो सदगुरु मौला को अरबों बार नमन है जो सब जवाब देते हैं। श्याम चंद्र प्लम्बर मिस्त्री पूजा जी, मुझे गुम हुआ एक पर्स मिला जिसमें 6,000 रुपये व पहचान पत्र था जी, पहचान पत्र की सहायता से मैंने उस पर्स को उसके असली मालिक तक आप जी की प्रेरणा से पहुंचा दिया। वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात बेटा, मालिक खुशी दे, और यहाँ जितने पत्रकार भाई हैं उनसे मिलना, प्रसाद ले लेना ताकि वो ऐसी खबरें लगाएं। और कहाँ हैं आप, खड़े हो जाएं, हाथ हिलाएं अगर यहाँ कहीं आसपास हैं, पता नहीं भाई कहाँ हैं, तो बाद में मिल लेना आप, आशीर्वाद बेटा, प्रसाद ले लेना। प्रदीप कुमार इंसान दिल्ली से, पूजा गुरु जी मान बढ़ाई के लिए की गई सेवा का फल मिलता है या नहीं? सेवा तो सेवा है, चलो किसी और तरीके ने मान बढ़ाई में भी कर ली वो खाली नहीं जाएगी। आखिरी प्रति है जी, लाइव मैसेज है ये सात संघ टोरेंटो कनाडा से, प्यारे पिताजी आप जी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए टोरेंटो की सात संघ ने 54 पौधे लगाए हैं जी, सारी सात संघ इसी तरह से सेवा सिमरन करने का आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा शाबाश, मालिक खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे, आप और आगे बढ़े
और प्रसाद कोई भी है वो प्रसाद बन गया, सब लोग ले लें बेटा, मालिक रहम करम से नवाजे, आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संग जी, ये थे आपके सवाल। अब भजन के आखिर में आया, समय कीमती हाथ से जाए जी, नाम जप कर लाभ उठाए जी, शास्त्र नाम जी हरदम है समझान। तो सच्चे दाता रहबर समझा रहे हैं कि समय, यानी वैसे भी समय किसी का इंतजार नहीं करता, और मनुष्य रूपी समय, इसको भी समय कहा जाता है, कि आपके हाथ से जा रहा है, फिसलता जा रहा है, इसमें आप राम नाम का जाप करें, भले कर्म करें ताकि आप पूरा फायदा उठा सकें, अमल करें तो खुशियां जरूर मिलेंगी। सो वचन सुन के जो मान लेते हैं उनके अंदर बाहर खुशियां जरूर आया करती। इस बारे में लिखा है, संतों का वचन है अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो, जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर पा देते हैं वो कभी भी नहीं करते। समय की कदर करो, समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। समय और समुद्र की लहर किसी के लिए रुका नहीं करते, इसलिए समय की कदर करो, आलस्य ना करो। जो आलस्य में पड़े रहते वो सारा जीवन अपना बर्बाद कर लेते हैं। सचेत रहो, समय के साथ चलो, सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो, अच्छे भले कर्म करो, तो यकीनन आप इस जहान में खुशियां हासिल करेंगे और अगले जहान की खुशियां भी इस जहान में जरूर मिल जाएंगी। तो प्यारी सत्संग जी, जो गुरु मंत्र लेना चाहते हैं वो अभी उठ के जल्दी से सचखंड हॉल, जो आपके सामने बिल्डिंग है, उसमें चले जाएं। जो गुरु मंत्र मेथड और मेडिटेशन लेना चाहते हैं जल्दी कीजिए, रास्ते बने हुए हैं साइडों से, जल्दी से आप वहां जाएं। रूहानी जाम अभी पिलाया जाएगा। तो इतनी देर में लांगरी जो है, बाकी जिन्होंने पहले नाम ले रखा उस साध संगत को लंगर भोजन खिला देंगे और जाम वालों को बाद में खिला देंगे। अभी हम नाम लेने वाले जो है उनको नाम देंगे, नाम वाले लंगर भोजन बाद में, बाकी साध संगत को लंगर भोजन अभी खिलाया जाएगा। तो नाम पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लगेंगे। तो विवाह शादी वाले परिवार हैं, अभी बैठे रहिए साध संगत, सिर्फ नाम वाले उठ के जाएं जो नाम लेना चाहते हैं, पीछे भी है तो जल्दी से आगे आ जाएं। तो शादी वाले पहले परिवार दिन दुखी मध्यम बैंक में 2200 रुपए जमा करवाते हैं, मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण, 5 मेंबर शरीरदान का, 5 मेंबर पर्ण करने, दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम मोनू इंसा पुत्र परमानंद जी का निवासी सरसा हरियाणा, लड़की का नाम गीता इंसा पुत्री सुभाष चंद इंसा जी की निवासी हांसी हिसार जिला हरियाणा। लड़का लड़के आपस में दिल जोड़ मार डाले। बेटा आशीर्वाद। शादी वाले अगले परिवार मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण, 1 मेंबर श्रीदान का, 1 मेंबर पर्ण, दोनों दान महादान आशीर्वाद। बैठे रहें भाइयों बहनों, बैठे रहो, खड़े नहीं होना आपने, शादी इनकी हो रही है, आपको क्या हो गया, बैठो, शाबाश, बैठे रहो अपनी जगह। तो ये परिवार है, लड़की का नाम सुखदेव इंसम पुत्र बालिस्टर सिंह जी का निवासी ज्योतिया माजरा जिला शाहजहांपुर यूपी, लड़की का नाम पूर्णम इंसा पुत्री शत्रुघ्न सिंह इंसा जी की निवासी जटपुरा जिला पीलीभीत यूपी। लड़का लड़की दिल जोड़ मार डाले जी। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। अगले परिवार दिन दुखी मध्यम बैंक में 5100 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान 18 और शरीरदान 18 मेंबर कर रहे हैं लिखित में पर्ण, सो दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम दलीप इंसान पुत्र अमीलाल इंसान जी के निवासी 11 SGM जिला श्री गंगानगर राजस्थान, लड़के का नाम उषा इंसान पुत्र काशीराम इंसान जी के निवासी फकीर वाले जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले जी। बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद। और अगले परिवार दिन दुखी मध्यम बैंक में 7200 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद। मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण, 10 मेंबर शरीरदान का भी 10 मेंबर कर रहे हैं, सो दोनों दान महादान आशीर्वाद।
लड़के का नाम राजकुमार इंसा पुत्र सतीश कुमार जी का निवासी पीलीभंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। लड़की का नाम पूजा इंसा पुत्र करमचंद इंसा जी के निवासी सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। और शादी वाले अगले परिवार तीन दुखियों मध्य बैंक में 1100 रुपए जमा करवाते हैं। मरणोपरांत नेत्र का पर्ण 5 मेंबर शरीरदान का 2 मेंबर करें, दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़की का नाम ब्रदमान इंसा पुत्र ओम प्रकाश जी का निवासी बठिंडा पंजाब। लड़की का नाम बबीता इंसा पुत्री राकेश कुमार जी की, ये भी निवासी बठिंडा पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। आशीर्वाद और विवाह शादी वाले 6वें परिवार दिन दुखी मध्य 11100 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद। मरणोपरांत नित्य दान का पर्ण 12 मेंबर शरीर दान का 3 मेंबर पर्ण कर रहे हैं, दोनों दान महादान आशीर्वाद। लड़के का नाम कुलजीत इंसा पुत्र रविंदर सिंह इंसा जी का निवासी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। लड़की अपने कॉलेज की अपने स्कूल की एक स्टूडेंट आशीरवाद। लड़के नाम गुरप्रीत इंसा पुत्र बलविंदर सिंह इंसा जी के निवासी पक्का कलां जिला बठिंडा पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डाले। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। और प्यारे सत्संग जी, आपने देखा जितने भी शादी वाले परिवार आए, विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं भूलते थे। ऐसे परिवारों में आपस में मालिक प्यार बढ़ाए, खुशी बख्शे और सेवा सुनने में मन लगे आशीर्वाद। वैसे तो हमने ऐसा देखा है कि सत्संगी परिवार बहुत सुलझे होते हैं, पर आप यहां जब शादी करवाते हैं ये छोटी मोटी बात नहीं होती। कानूनी तौर पर लिखा जाता है सास संगत को सारे धर्म में भगवान का रूप दिया है, इतना बड़ा ओहदा, और उसके सामने आप रिश्ता जोड़ते हैं, और बाद में कोई भी चूँच ना करता है परिवार तो उसके लिए नरकों का घर बन जाता है। तो इसलिए आप आपस में प्यार रखा करें, ये जरूरी है। और एक बात और, वैसे ये होता नहीं पर कोई कोई होता है, कई बार होता है, ये सिखाया जाता है समाज में। लड़के को कह के भेजते हैं कि वहां सिर झुका के माड़ा ना डालना, अगर तूने सिर झुका लिया तो सारी उम्र दबा रहेगा, ऐसी कहावतें बना रखी हैं। ये सब बकवास है। कई बार बेचारी लड़की छोटे हाइट की होती है, लड़का लंबा, वो यूं खड़ जाता है। क्यों? ऐसा करने से क्या ज्यादा तो मर्द बन जाएगा? तो ऐसा होता नहीं। वैसे अपने सत्संगी तो बहुत समझदार हैं, पर जो नौजवान हैं हम उनको समझाना चाहेंगे, यहीं से अगर सहयोग शुरू करते हो तो सारी जिंदगी आपस में सहयोग और प्यार बना रहता है। चलो आपकी हाइट लंबी है, थोड़ा झुक जाओ, इसका मतलब आप झुके तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ हो जाएगा। तो ये सब बकवासबाजी है, इसकी तरफ ध्यान ना दिया करें। तो ये जरूर ध्यान रखा करें सास संगत, और आगे से आगे बताया भी करें। वैसे होता नहीं है, अब शादियां हुई आपने देखा सब बच्चे एक दूसरे से झुक के ही हाथ डलवा रहे थे, पर कोई कोई हमने देखा है होता है कि जो यूं खड़ जाता है, बेचारी लड़की सोचती है छलांग मार के डालूं क्या। तो या तो फिर परिवार वाले उतनी लंबी ही लड़की देख ली, या फिर ये आप इस चक्कर में ना पड़ा करें, ये जरूर ध्यान रखा करें। ये गांव में आमतौर पर एक बनाया होता है कहानी सी, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ये सब झूठ होता है। तो विदेशों में सत्संगत बैठी है, उनके देश और राज्य कनाडा के राज्य जो हैं, एयरफोर्ड सरी, बीसी, वैंकूवर, प्रिंसटन, कैलगरी, एडमंटन, विनिपेग, हैमिल्टन, टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ओकविले। इटली के हैं बेरगामो, तरबीजो, वेरोना, विचेंसा, लतीना, ब्रेशिया, कोबो, रोम, लोधी, रजोमिलिया। अमेरिका के हैं सैक्रामेंटो, फ्रीमोंट, कैलिफोर्निया, सियाटल, वाशिंगटन, सांता क्लारा, लॉस एंजलिस, शिकागो, टेक्सास, सोमरबिले, आयोवा, बोस्टन, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, स्टैमफोर्ड, कनेक्टिकट, इंडियाना, न्यूजर्सी।
यूएई में अजमान सिटी, मसाफी, करामा सिटी, शारजा, दुबई। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडलिड और बलगुलगा। जर्मनी में बर्लिन, ऑरिच, रोस्टॉक, हैमबर्ग, ब्राउनस्विस, कार्लसरूही। फिलीपाइन में मनीला, तगुम सिटी। और यूके, इंग्लैंड में साउथ हॉल, कॉर्डिफ, लंदन, लेफोर्ड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, क्रोडन। और बाकी और देश, बीजिंग, बैनजो, चाइना। ये चाइना तो भाई ऊपर ही दे दें, जब इनके दो स्टेटों में दिया जा रहा है, इसको नीचे क्यों देते हैं आप? जिसके दो हो जाते हैं तो ऊपर दिया करें। ये मनीला, तगुम फिलीपाइंस के ऊपर है तो इसका भी क्यों नहीं ऊपर। हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, आर्मेनिया, यूरोप, कुवैत, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, मस्कट, साइप्रस, न्यूजीलैंड, जापान, नाइजीरिया, दोहा, कतर और नेपाल, फ्रांस। न्यूजीलैंड में भी कई जगह संगत होती है, वो भी आप पता नहीं क्यों नीचे दे रहे हैं। हालांकि दो तीन चार जगह संगत के लाइव मैसेज आते रहते हैं, तो ये ख्याल रखा करो। लकीर के फकीर ने जो लिख दिया पहले, वही चला आ रहा है लगातार। और पूरे भारत में सत्संग देखे सुन रहे हैं लोग, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। तो प्यारी सत्संग जियो, अभी एक दो मिनट बैठना है, लंगर भोजन आपको दिया जाएगा, फिर अगर जाने का विचार है जा सकते हैं। लेकिन जब तक आप घर नहीं पहुंचते, मालिक से दुआ सत्संगों से बढ़ के फल आपको मिलता रहे। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से जाना होता है। हाँ, रूहानी जाम अभी पिलाया जाएगा लंगर भोजन के फौरन बाद। नाम वालों को पहले नाम, फिर रूहानी जाम और फिर लंगर भोजन दे दिया जाएगा। ज्यादा देर नहीं लगेगी। अब हम आपको नाम देने आ रहे हैं जो अंदर बैठे हैं। बाकी सत्संग इसी तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। एक दो मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। जो सचखंड हाल में सत्संगत बैठी हैं, आप कृपया प्रेम से बैठे रहें। पूजनीय गुरु जी सचखंड हाल में ही आ रहे हैं जी। नाम शब्द गुरुमंत्र के लिए कोई भी भाई या बहन जो आया है, और यहां शेड के नीचे अगर कोई भी बैठा है, तो आप अभी जल्दी से सचखंड हाल में